वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंगो, जो कि हमारा एक मेजर क्रॉप है। इससे कैसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। तो बॉटनिकल नेम पूछा गया है, तो याद रखना कि बॉटनिकल नेम क्या है मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब इसकी अगर फैमिली की बात की जाए, मैंगो की फैमिली कौन सी होती है, तो याद रखना एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बाथरूम फ्रूट किसे बोला जाता है, तो याद रखना बाथरूम फ्रूट भी किसे बोला जाता है, मैंगो को ही बोला जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाथरूम फ्रूट किसे बोला जाता है, मैंगो को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंगो इन वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो याद रखना वेनेजुएला में, ओके। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वेनेजुएला। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, याद रखना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इंडिया में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और वर्ल्ड में कहाँ है, वेनेजुएला में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, तो फ्रूट टाइप कौन सा है, ड्रूप होता है, ओके। मैंगो में कौन सा फ्रूट टाइप होता है, ड्रूप टाइप का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ मैंगो वास, तो इसने पूछा है कि उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, ठीक है। मैंगो का उत्पत्ति स्थान की अगर बात की जाए तो इंडो बर्मा क्षेत्र होता है, और जो कि कहाँ पर पड़ता है, इंडिया में ही पड़ता है। इंडिया का इंडो बर्मा क्षेत्र मैंगो का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज शेयर इन मैंगो प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है कितना होता है, 57 इंडिया में ही होता है मैंगो का प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केजिंग टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग फर्स्ट यूज्ड बाय, अगर अब याद रखना केजिंग टेक्निक से मुख्यतः दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा आपसे केजिंग टेक्निक किससे संबंधित है, तो उसका राइट आंसर होगा मैंगो से संबंधित है, ओके। याद रखना कि केजिंग टेक्निक किससे संबंधित है, मैंगो से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया, जैसा कि इसमें पूछा गया है फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, तो किसने इसकी खोज की थी, आर एन सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज़ नोन एज, अर्थात जो खाया जाने वाला पार्ट है कौन सा होता है, तो मेजोकार्प। मध्य फलवृत्ति खाई जाती है मैंगो और पपाया दोनों की, कौन सी खाई जाती है, मध्य फलवृत्ति को ही खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड मैंगो वर हैव ए TSS ऑफ, अब याद रखना TSS क्या होती है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, जिसके द्वारा स्वीटनेस दर्शाई जाती है। तो मैंगो में कितनी परसेंट TSS होती है, 20% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो, तो सबसे जो बोनी पर जाती है तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो कौन सी होती है, आम्रपाली होती है। और अब याद रखना एक बोनी प्रजाति तो है ये, लेकिन जो प्लांट सुप प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें, तो आम्रपाली में जो डिस्टेंस होती है ना वह भी कम रखी जाएगी, ठीक है। एक तो बोनी प्रजाति है इसलिए जो स्पेसिंग रखेंगे तो वो भी कम रखेंगे। अब कितनी रखी जाती है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कई बार, तो याद रखना कि ढाई इंटू ढाई मीटर जो डिस्टेंस रखी जाती है प्लांट से प्लांट के मध्य, तो कितनी रखी जाएगी, ढाई से ढाई मीटर, ठीक है। और जबकि अगर कॉमन की देखी जाए इनकी स्पेसिंग, तो कितनी होती है, 10 मीटर, ओके। एक पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, 10 मीटर, लेकिन आम्रपाली एक ऐसी वेराइटी है जिसमें स्पेसिंग 2.5 इंटू 2.5 मीटर ही रखी जाती है, ओके। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगोइज, तो कौन सी होती है, सिंधु, याद रखना सीडलेस वेराइटी पूछी है मैंगो की, तो कौन सी होती है, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो, अर्थात सबसे जो मीठी होती है वेराइटी वह मैंगो की कौन सी होती है, तो याद रखना चोसा, सबसे मीठी तो कौन सी है, चोसा, और सीडलेस वेराइटी है सिंधु, ओके। अगर इसकी बात की जाए सिंधु का विकास कैसे हुआ, यानी किसके क्रॉस से ये प्राप्त की गई, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, RAS, ठीक है, RAS रत्ना अल्फांजो कौनों से प्राप्त हुई थी, सिंधु, याद रखना रत्ना इंटू अल्फांजो करने पर सिंधु हमें प्राप्त हुई थी, ओके। और अगर बात कीजिए आम्रपाली किससे प्राप्त हुई थी, तो इसी की ट्रिक है DNA, अर्थात दशहरी इंटू नीलम से प्राप्त हुई थी, कौन सी, आम्रपाली, ठीक है, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेजेशन ऑफ मैंगो इज डन बाय द मेथड, अब एक मेथड है ग्राफ्टिंग का, विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलिनेशन इज मेडिएटेड बाय, अर्थात जो मैंगो में पोलिनेशन होते हैं परागण होते हैं, तो वह किसके द्वारा होता है, तो याद रखना हाउस फ्लाई अर्थात घरेलू मक्खी के द्वारा परागण की क्रिया मैंगो में की जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो, तो सबसे ज़्यादा वो जो पेस्ट होता है वह कौन सा लगता है, मैंगो होपर्स लगता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर डिजीज ऑफ मैंगो कौन सी है, पाउडरी मिल्ड्यू है,
अब याद रखना, मैंगो जो पाउडर मिल रहा है वह किसके द्वारा होती है? फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा, जो एक कवक की वेराइटी है, स्पीसीज है, याद रखना, फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा। अब पाउडर मिल रही होती है, ओके सॉरी, ये पाओ जो फ्यूजेरियम स्पीसीज होती है मैंगो माल फॉर्मेशन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मैंगो माल फॉर्मेशन इज़ ड्यू टू, किसके द्वारा होती है? लो टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है मैंगो माल फॉर्मेशन, तो वह किसके द्वारा होता है? लो टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है। और अगर आपके बात की जाए मैंगो माल फॉर्मेशन का कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, याद रखना कि फंगस होता है, और फंगस की कौन सी स्पीसीज होती है? फ्यूजेरियम स्पीसीज, ठीक है। फ्यूजेरियम ना स्पीसीज नामक जो कवक की वेरायटी है उसके द्वारा कौन सा होता है? मैंगो माल फॉर्मेशन होता है। इसमें जो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे वो होता है कि जो शूट्स होती है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। शूट की और लीफ की दोनों की क्या होती है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगो ब्लैक टिप डिजीज मोस्टली अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग, तो जो ब्लैक टिप डिजीज होती है तो वह किसके द्वारा होती है? तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथीन, C2H2 कौन सी है? एथीन, ओके। तो इसके द्वारा होती है कौन सी? ब्लैक टिप डिजीज़। इनके जो ज़्यादा हो जाती है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों की अधिकता से कौन सी हो जाती है डिजीज़? ब्लैक टिप। और ब्लैक टिप में क्या होता है, जो मैंगो होता है तो उसके नीचे एक स्पॉट दिखाई देगा आपको ब्लैक, जो कि धीरे धीरे पूरे फ्रूट पर फैल जाता है और जिससे फ्रूट क्या होता है? सड़ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लोरेंस ऑफ मैंगो, यानी जो पुष्करम होता है वह कौन सा कहलाता है? पेनिकल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल ऑफ ब्लैक टिप बाय, तो ब्लैक टिप डिजीज किसके द्वारा हुई थी? सल्फर डाइऑक्साइड और एथीन के द्वारा। तो अब इसे कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखना बोरेक्स के स्प्रे के द्वारा, ठीक है। बोरेक्स से स्प्रे करेंगे तो ब्लैक टिप को आसानी से खत्म किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंजी टिश्यू इज ड्यू टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगो माल फॉर्मेशन इज़ ड्यू टू, यानी मैंगो माल फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना अगर आपको ऑप्शन में मिलता है लो टेम्परेचर, तो राइट आंसर क्या रहेगा? लो टेम्परेचर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसके कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है मैंगो माल फॉर्मेशन का, तो सबसे पहले याद रखना मैंगो माल फॉर्मेशन दो टाइप का होता है, एक होता है वेजिटेटिव टाइप और एक होता है फ्लोरल टाइप, ठीक है। तो और किसके द्वारा होता है? फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा होता है, जो कि एक कवक है, ठीक है। याद रखना कि अगर पूछे जाए आपके कवक या विषाणु वगैरह से पूछे तो राइट आंसर होगा कवक, और किसके द्वारा होता है? फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगो जो ब्लैक टिप होता है, यानी इन मैंगो ब्लैक टिप डिजीज मोस्टली द फॉलोइंग, यानी किसके द्वारा होती है ब्लैक टिप डिजीज़? तो याद रखना कि सल्फर डाइऑक्साइड, एथीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस की अधिकता होने पर ब्लैक टिप डिजीज़ हो जाती है, ओके। अब ब्लैक टिप डिजीज़ में होता क्या है? तो सबसे पहले याद रखना कि जो मैंगो होता है हमारा, तो नीचे से एक क्या होता है, एक छोटा सा धब्बा बनता है एक ब्लैक टाइप में, ठीक है। तो जो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और लास्ट में क्या होता है पूरे फल को सड़ा देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लोरेंस ऑफ मैंगो, तो जो पुष्करम होता है मैंगो का तो वो कौन सा होता है? पेनिकल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ ब्लैक टिप बाय, अभी हमने बात की थी ब्लैक टिप हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण, लेकिन इसमें बात किया है कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना जो ब्लैक टिप का कंट्रोल है वह बोरेक्स स्प्रे करके हम आसानी से कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंजी टिश्यू इज ड्यू टू, जो स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम होती है इसमें क्या होता है कि जो फ्लो हमारा जो फ्रूट होता है मैंगो फ्रूट होता है वह क्या होता है? पसपसा हो जाता है, यानी एक बिल्कुल ढीला हो जाता है, ओके। तो ये किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शनल हीट अर्थात जो संवहन जो ताप होता है, संवहन ताप के द्वारा कन्वेक्शनल हीट के द्वारा स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाईली ससेप्टिबल फॉर अल्फांजो, लेकिन जो अल्फांजो वेराइटी है, ठीक है, याद रखना कि जो हमारी जो अल्फांजो वेराइटी है इसके प्रति ससेप्टिबल होती है, अर्थात अल्फांजो में यह जो डिजीज़ होती है स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम होती है वह नहीं पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस इज ड्यू टू, तो अब याद रखना कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए नेक्रोसिस प्रॉब्लम किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होंगी? बोरोन की डेफिशिएंसी के द्वारा। अगर आपकी किसी भी यहाँ पर फ्रूट ही ना आकर कोई भी क्रॉप क्यों ना पूछी गई, अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्रोसिस प्रॉब्लम किसके द्वारा होती है, तो याद रखना बोरोन की डेफिशिएंसी के द्वारा ही नेक्रोसिस प्रॉब्लम होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिब्लॉसमिंग इज डन फॉर, तो किसके द्वारा? कंट्रोल ऑफ मैंगो माल फॉर्मेशन, डिब्लॉसमिंग के द्वारा मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पैक्लोबुटाजोल एंड कल्टार केमिकल इज़ यूज्ड इन मैंगो टू। तो अवॉइड द अल्टरनेट बियरिंग, तो आपको पता होगा कि मैंगो में क्या होता है कि एक साल फल आएंगे और एक साल नहीं आते हैं, तो इस क्रिया को रोकने के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है, पैक्लोबुटाजोल और कल्टार। अगर आपको ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, अगर आपको पूछे कि कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना कि नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का प्रयोग करेंगे इसको रोकने के लिए, अवॉइड अल्टरनेट बियरिंग को रोकने के लिए। ओके, ये दोनों ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्टरनेट बियरिंग किस में पाई जाती है, तो याद रखना मैंगो में पाई जाती है। और इसकी कंट्रोल कैसे किया जाता है, पैक्लोबुटाजोल और कल्टार का केमिकल का यूज़ करके या फिर नेफ्थलिक एसिटिक एसिड हार्मोन का यूज़ करके आसानी से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। I'm not afraid to die.